हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास यू के जी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश पार्ट 57। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स पर आ गए। एक्सरसाइज टाइम चल रहा है ना, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? अ ड ऑग डॉग डैश अ ल ऑग लॉग। एक कुत्ता, एक लकड़ी का गट्ठा। तो अब कुत्ते के ऊपर लकड़ी का गट्ठा हो नहीं सकता, एक लकड़ी के गट्ठे पर क्या होगा? मैं अंदर भी नहीं हो सकता, लॉग लकड़ी के गट्ठे के अंदर भी नहीं होता डॉग, है ना। तो क्या आएगा? अ लॉग ऑन अ डॉग ऑन ए लॉग। इसी तरीके से बस बना बना कर लिखना है। हमने जो सेंटेंस रीड किए थे उन्हीं पर बेस्ड ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। अ बॉय बॉय डैश अ टॉय। क्या आएगा? एक लड़के के साथ एक खिलौना। तो साथ वाला है तो साथ में क्या है, साथ के लिए क्या आता है? विथ। व ईथ विथ। नेक्स्ट अ लैड लैड विथ अ बॉक्स। अ फॉक्स फॉक्स। अ फॉक्स डैश अ कॉट। तो क्या आएगा? ऑन। एक फॉक्स यानी लोमड़ी, ए ए और कॉट मीन्स खाट, एक खाट पर एक लोमड़ी। तो पर आएगा ऑब्वियसली। सेंटेंस बस रीड करते जाना तो अपने आप पता चल जाएगा कि ऑन आना है, विथ आना है, इन आना है, क्या आना है। अ प ऑड कॉड इन ए प ऑट कॉड ए ब ऑय बॉय ग ऑट गॉट गॉड गॉड माय मॉम मॉम इज नॉट नॉट ऑड ऑड ल ऑट लॉट ऑफ ऑफ फ ऑग फॉग ऑन ऑन ए रॉक रॉक। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस द वर्ड। क्रॉस करना है ऑड पर, जो अलग है उस पर क्रॉस करना है। देखिए सारे साउंड सेम साउंड के, बी साउंड ओ तो सब में चल रहा है, ओ सारे साउंड के चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो है बी साउंड निकल रहा है, ब साउंड निकल रहा है, ब ब ब ब, लेकिन यहाँ पर ड साउंड था। तो क्रॉस क्या है? क्रॉस किस पे लगाएंगे? ऑड पर, यानी कि जो अलग है उस पर लगा देंगे। ये ड साउंड का ऑड था इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया। अब जैसे देखिए य य य य य, लेकिन ये क्या है? ट। तो ट साउंड वाले पर क्रॉस लगा देंगे। ऐसे ही ग ग ग ग, लेकिन ये क्या है? वाई। य साउंड पर क्रॉस कर देंगे। उसी तरह ट ट ट ट ड ड आ गया तो ड साउंड पर क्रॉस कर देंगे। उसी तरीके से और आगे की कर लेंगे। अब आता रेमिंग वर्ड। समान से वही से आपको ओ साउंड तो लगाना ही लगाना है, ओ तो लगेगा ही, लेकिन साथ में सेम ड साउंड के ही और लेटर बनाने हैं और वर्ड्स बनाने हैं। ग ऑड ड वाले साउंड के बनाने हैं आपको। तो ग ऑड क्या हो जाएगा? र ऑड ल ऑड म ऑड, है ना, ड ड ड वाले। ऐसे प ऑट ल ऑट क ग ऑट क ऑट। उसी तरीके से फ ऑग ड ऑग ल ऑग क ऑग। आप आगे के बना लेंगे। मैंने आज आपको 3, 4 और 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। आप भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें और मैम को राइट डाउन करके लिख कर दिखाएं। ओके, थैंक यू।